भून जाती है। कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। एक मिनट ठहरो, नीला है। तो मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था कि मटर पुलाव बनाऊँ, और रैनू बोल रही थी बीच में आलू डाल लूँ, तो मैं दो आलू इसके लिए डालूँगी। तो चले जी, रैनू इस तरफ आ लूँ। ये जी मैंने प्याज अभी रखे हैं ब्राउन होने के लिए, तो और साथ में मैंने चाय रखी है। प्याज ब्राउन हो जाते हैं फिर इसमें डालते हैं गरम मसाला। मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। अभी मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक और हल्दी। हल्दी मैंने डाली है, टमाटर भी डाल रही हूँ। हल्दी मैंने डाली है दूसरी, वो जो आजकल आ रही है पिछली भी नहीं है, मैंने बोला चलो अब तो ताज़ी आ रही है तो ये भी ताज़ी डाल के देखते हैं। और मैं टमाटर काटती हूँ, मैं काट रही हूँ टमाटर। हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और इसमें डालेंगे नमक, और थोड़ा सा भून के इसमें डालेंगे नमक। और ये मैंने एक पैकेट डाला है, डालना है मैंने एक पैकेट अजीनोमोटो, ये डालूँगी। अजीनोमोटो में डाल रही हूँ, रेनू का हाथ थक गया है, रेनू बहुत नाजुक है। कागज़ की बनी हो क्या? ऊपर करो। चलो जी, अभी मैंने अजीनोमोटो डाला है और नमक डाला है, अभी हम थोड़ा इसको भूनेंगे, फिर इसके ये टमाटर मैश हो जाए तो फिर इसमें डालेंगे मटर। कर रही हूँ ये जी, मैंने आलू छील लिए, अब मैं आलू काट रही हूँ। मटर मैंने धो लिए, आलू भी मैंने धो लिए, तो अभी मैं काट रही हूँ आलू। तो मसाला हमारा मैं आपको दिखाती हूँ। आलू मैंने थोड़े डाल लिए, फिर वो ज़्यादा आलू का ही टेस्ट होगा। और साथ में मैं नाश्ते के लिए बनाऊँगी आलू मटर का सालन। तो चले जी, ये देखें हमारा मसाला। रेनू का हाथ ऊपर आ नहीं रहा था तभी, इसलिए एक हाथ से मैं बना रही हूँ, एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ। अभी हरी मिर्ची भी साबुत डालूँगी, आज मैंने मटर ज़्यादा डाले हैं। और ये मटर भिजवाए थे मेरे देवर ने मुझे, कल अशरफ गए थे भैंस करूँगी, तो वो करते हैं सब्ज़ी का कारोबार, तो उन्होंने भेजे थे मुझे मटर। मैंने बोला चले मटर ज़्यादा थे, तो मैंने बोला मटर वाला पुलाव बनाते हैं और साथ में बनाएंगे थोड़ा सा मैं कहना आपके लिए सालन। तो चले मैं इसको भून के फिर आपको दिखाती हूँ। मैं भूल गई, मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल भी, और उसको भून के अच्छी तरह आलू मटर को, और अभी मैंने चावल डाले हैं। बन गया है मूली, गाजर, चुकंदर और खीरा। तो अभी मैं खोलने लगी हूँ चावलों को, देखते हैं। दम पे मैंने लगाने लगी और दम पे रखा हुआ है, तो अभी चावलों को देखते हैं कि उनकी क्या सूखने वाली है। और ये मैंने मटर रखे हैं सालन बनाने के लिए, तो अभी देखती हूँ, अगर लाइट नहीं गई तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। दिखाती हूँ, ये देखें जी चावल हमारे, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है चावलों की। मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा क्योंकि रेनू का हाथ ऊपर जाता नहीं है, तो इस वजह से। तो चले जी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, चावल हो चुके हैं हमारे तैयार और बहुत मज़े के बने हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ, रहने इधर दिखाऊँ, अभी मैं आलू काट रही हूँ, तो अभी मैं बना रही हूँ सालन। ये मैंने थोड़े से मटर रखे थे सालन बनाने के लिए, तो चले फिर मिलते हैं।
क्योंकि प्याज मेरे, ये देखिए मैंने टमाटर वगैरह सब डाल दिया इसके अंदर। तो मैंने बोला कि अब मैं ये साथ में मैं बना रही हूँ आलू मटर का सालन। चले मिलते हैं 2 मिनट। अभी मैं थोड़ी सी मिर्ची इसकी पकाऊंगी। मैंने पानी में मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया। मैं एक हाथ से फ़ोन मैंने पकड़ा और एक से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि रेनू का हाथ इधर आता नहीं है पूरा, तो इस वजह से। तो ये देखें जी, हमारे साथ वालों की फ्रिज आ गई है। चाचू मेरे लोगों ने नहीं दे ली है और ये वाली इनको दे दी है। तो चले अभी काम कर रही हूँ मैं। और ये देखो जी, मेरा सारा काम अभी करने वाला है। ये मैंने बर्तन बर्तन सारे धोने हैं। चावल मेरे बन गए, बस मैं सालन बना रही हूँ। सलाद भी मैंने काट लिया है। ये देखें जी, मसाला हमारा हो चुका है तैयार और मैंने अभी डाल दिए हैं मटर और मैं इसको भून रही हूँ। और देश की हमारी हिल रही है क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ। तो अभी हम इसमें तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी जितना हमने हमें ज़रूरत होगी। तो और धनिया मैंने साफ़ अभी करना है, धनिया डालने के लिए इसमें। तो उम्मीद है कि जी हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो करना लाइक शेयर, चैनल करना सब्सक्राइब। ओके बाय जी, खुदा हाफिज़।